अविनाश ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बचपन में जब एक्टर बनने का सपना देखा था तब उन्हें किसी ने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन वो हमेशा से सीरियस रहे। टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने कैसे पैसा कमाया, क्या हुआ जब उन्होंने अपने घर पर मुंबई जाने के लिए पूछा कौन है अविनाश की गर्लफ्रेंड, कितनी है उनकी नेटवर्क, वीडियो में हम जानेंगे उनकी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अविनाश मिश्रा आज टीवी के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन शुरुआत में एक सक्सेसफुल शो मिलने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक काम नहीं मिला। अविनाश मिश्रा का जन्म 9 दिसंबर 1995 को रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनकी माँ पापा के अलावा एक बड़े भाई भी हैं। अविनाश के पिता का नाम रवि मिश्रा है जो एक बैंक मैनेजर है, और उनकी माँ का नाम संगीता है जो हाउसवाइफ है। अविनाश के भाई एक कॉलेज प्रोफेसर हैं। अविनाश को बचपन से ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एक्टिंग में बहुत शौक था। उन्होंने बचपन से ही एक एक्टर बनने का सपना देख लिया था। बात करें स्कूलिंग की तो अविनाश की स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल रायपुर से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन ABS प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर से पूरी की। बचपन में अविनाश सबको एक्टर बनना अपना ड्रीम बताते थे, तो घर वाले ये सोचते थे। फिल्में देख देख कर अविनाश ऐसा सोचने लगा है जब वो समझदार होगा तो सोच बदल जाएगी। लेकिन अविनाश छोटे से बड़े होते गए लेकिन उनका सपना नहीं बदला। तब वो क्लास 10th में थे जब अपने माँ पापा से उन्होंने एक्टर बनने के लिए मुंबई आने के बारे में बात की। अविनाश के पेरेंट्स ने उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया, पर उन्होंने बोला अपनी पढ़ाई पूरी कर लो उसके बाद चले आना। अविनाश उनकी बात मान गए क्योंकि उस टाइम पर उन्हें मुंबई में कहीं भी काम मिलना मुश्किल था। अविनाश ने सोचा कॉलेज की पढ़ाई करूंगा, साथ ही खुद पर भी काम करूंगा। स्कूल खत्म होने के बाद अविनाश ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और साथ ही खुद पर भी काम करना शुरू कर दिया। लगभग एक साल की मेहनत के बाद वो खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर चुके थे। अब अविनाश ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इवेंट्स होस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने कॉलेज और आसपास होने वाले इवेंट्स में एक होस्ट के तौर पर काम करने लगे, जहाँ से उन्हें थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। लेकिन वो ये सब अर्निंग के लिए नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर रहे थे, और जिसका उन्हें फायदा भी मिला। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अविनाश साल 2016 में मुंबई आ गए। यहाँ आकर वो ऑडिशन देने लगे। उन्हें शुरुआत में कोई बड़ा काम तो नहीं मिल सका, लेकिन कुछ शॉर्ट फिल्मों में उन्हें काम मिला। अविनाश इस दौरान मुंबई में एक रूम में अकेले रहा करते थे और अपना खाना कपड़ा खुद ही करते थे। अविनाश जब काम ढूंढ रहे थे उन दिनों उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो किसी गरीब परिवार से थे, पर घर से बार बार पैसे मांगने में उन्हें शर्म आने लगी थी। लगभग 6 महीने ऑडिशंस में रिजेक्ट होने के बाद अविनाश को टीवी डेब्यू करने का मौका मिला GTV की शो सेठ से। इस शो में उन्होंने बाजीराव का रोल प्ले किया। इस शो में काम करते हुए अविनाश से शूटिंग के दौरान काफ़ी गलतियां होती थी, हालांकि सेट पर सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे जो उन्हें हमेशा समझाते रहते थे। इसके बाद अविनाश को जिम टीवी के प्यार तूने क्या किया शो में कुछ एपिसोडिक रोल मिले। फिर अविनाश को मिला टीवी शो इश्कबाज। इस शो में उन्होंने अभय सिंह ओबेरॉय का रोल प्ले किया था। इस शो से उन्होंने काफ़ी पहचान कमाई, लेकिन फिर भी इस शो के बाद उनका स्ट्रगल टाइम आया क्योंकि उन्हें एक साल से ज़्यादा टाइम तक कोई काम नहीं मिला। वो इस दौरान ऑडिशन दे रहे थे पर कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक टाइम पर जब वो स्ट्रगलर थे तो उन्हें विश्वास था कि उन्हें जब काम मिलेगा तब उनका काम उन्हें काम दिलाता चला जाएगा, लेकिन कुछ सोर्स करने के बाद काम न मिलना उन्हें डिमोटिवेट कर रहा था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और वो ट्राई करते रहे। फिर साल 2018 में अविनाश को जिंदगी का क्रॉस रोड, मरियम खान और ये तेरी गलियां शो मिले। ये तेरी गलियां एक सुपरहिट शो रहा जिसमें उन्होंने शंतनु नाम का लीड रोल निभाया। इस शो ने उन्हें टीवी पर वो पहचान दिलाई जो उन्हें आगे भी काम दिलाने वाली थी। इसके बाद अविनाश दुर्गा माता की छाया, नथ, तितली और मीठा खट्टा प्यार हमारा शोज में नजर आए। यहाँ तक अविनाश एक फेमस टीवी एक्टर बन चुके थे, इसीलिए उन्हें मौका मिला भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा बनने का। वो बिग बॉस में एक कंट्रोवर्सल कंटेस्टेंट हैं, लेकिन वो एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट भी हैं जो बिग बॉस में ढेर सारा कंटेंट दे रहे हैं। दोस्तों जानते हैं अविनाश की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। बात करें अविनाश के रिलेशनशिप स्टेटस की तो फिलहाल तो वो सिंगल हैं, लेकिन उनकी कई एक्ट्रेस के साथ नज़दीकियों के चर्चे रहे हैं, जैसे रुशिका मेहता जिनके साथ उन्होंने ये तेरी गलियां शो किया था, नेहा सोलंकी जिनके साथ वो तितली शो में नजर आए थे। इसके अलावा नथ में काम करते हुए शुरुआत में एक्ट्रेस चाहत पांडे से उनकी नज़दीकियों के चर्चे रहे, लेकिन जल्द ही दोनों की लड़ाई की खबरें आने लगीं।
यह माना जाता है कि अविनाश को उस शो से चाहत ने ही निकलवाया था और इस बात पर चर्चा बिग बॉस में भी हो चुकी है। दोस्तों, टीवी शोज के साथ साथ अविनाश ने कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। बात करें उनकी हॉबीज की तो मूवीज देखना, डांस करना, गिटार बजाना, सिंगिंग, क्रिकेट देखना और बाइक राइडिंग, ये उनकी हॉबीज हैं। अविनाश की नेटवर्थ एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए है। अविनाश भगवान में भी बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो मंदिर जाते हैं। अविनाश का खुद के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो ब्लॉग वीडियोज डाला करते हैं। दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी एक्टर और मॉडल अविनाश मिश्रा की। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।